हे व्हाट्स अप गाइस, आई एम आकाश एंड यू आर वाचिंग लर्न विद आकाश, लर्न फॉरएवर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यार क्लास 11 की मैथमेटिक्स को लेके। सो सिलेबस के अंदर हम बात करेंगे, हम पेपर पैटर्न को लेके बात करेंगे, कितना मार्क्स का क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा इन योर क्लास 11 इन आईएससी बोर्ड एंड इन क्लास 11 इन सीबीएसई बोर्ड। प्लस हम ये लेके बात करने वाले हैं कि यार कौन सी चैप्टर से तुमको यार स्टार्ट करना चाहिए मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड चैप्टर क्या होता है, कितना हार्ड होता है, कितना नहीं। सो यार दिस वीडियो इज काइंडली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स Those who are moving from class 10 to class 11, ठीक है यार, बहुत important video होने वाला है, so try करो video को end तक देखने। Plus हम बहुत कुछ discuss करने वाले हैं, अगर तुम science के students हो तब भी यार video को end तक देखो, commerce के हो and arts के हो, अगर तुम maths optate कर रहे हो in class 11, so video को end तक देखना, ठीक है। So before starting out this video, दो तीन चीज मैं तुम लोग यार confirm कर देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी यार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर यार ऑलरेडी क्लास 11 के लिए यार डिटेल्स वीडियो सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे है, जाके चेक कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल दोज हु आर मूविंग फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यार मैंने इस चैनल के अंदर इंग्लिश का वीडियो फॉर आवर आईएससी भी स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तुम चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो यार अगर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है, एंड प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो अमंग विद योर फ्रेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैंने जब यार आईएससी दिया था, मतलब मेरे टाइम में आज से 3 साल पहले, ऑन दैट टाइम जो क्लास 11 का सिलेबस था 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर आता था, ठीक है, मतलब 100 मार्क्स का इन आईएससी बोर्ड। बट राइट नाउ समथिंग हैज चेंज्ड बाय सीआईएससी काउंसिल एंड राइट नाउ दे विल गोइंग टू आस्क यू 80 मार्क्स का पेपर, ठीक है, जो पेपर होते हैं जो तुमको बोर्ड में जाकर करके आना पड़ेगा वो 80 मार्क्स का बन गया है, एंड 20 मार्क्स इज देयर फॉर योर प्रोजेक्ट जो यार तुमको क्लास 11 के अंदर करना है एंड 12 के अंदर करना है। सो हम जितने भी चीज बोल रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दोज हु विल गोइंग टू गिव योर बोर्ड इन आईएससी 2022 एंड सीबीएसई के लिए। यार जितने लोग यार सीबीएसई में जा रहे हैं, सीबीएसई ऑपरेट कर रहे हो, फॉर देम यार 100 मार्क्स का पेपर आता है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बट आईएससी के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट सीबीएसई एंड आईएससी के अंदर सिलेबस के अंदर कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एंड थर्ड थिंग इज दैट चाहे तुम साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो या फिर आर्ट्स ले रहे हो, अगर तुम मैथमेटिक्स ले रहे हो इन योर क्लास 11, ऑन दैट टाइम साइंस का बच्चा जो सिलेबस में एग्जाम देगा और कॉमर्स का बच्चा उसी सेम सिलेबस के अंदर एग्जाम देगा। एंड अगर तुम आर्ट्स ले रहे हो एंड आर्ट्स के अंदर अगर तुम मैथमेटिक्स ले रहे हो, ऑन दैट टाइम तुम भी यार उस सेम कॉम्बिनेशन के अंदर एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो अभी हम जाएंगे यार इसके अंदर, मतलब कि हम सिलेबस के अंदर जाएंगे एंड जाने के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। सो ये देखने से पहले और एक चीज मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, ये तुम्हारा यार मैथमेटिक्स का बुक है यार मेरे पास जो था आईएससी का एमएल अग्रवाल, ये वॉल्यूम 2 है, तो बहुत सारे बुक्स है एस चत का है, अगर तुम मेंस या फिर एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, फॉर देम उसके लिए भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है हम सारे बात बोल देंगे। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, इस चैनल को फॉलो अप करना पड़ेगा एंड ट्राई करो वीडियो शेयर करना अमंग विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो हम यार सिलेबस के अंदर आ गए, तो ये हम आईएससी के जो 2022 के बच्चे होंगे, फॉर देम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ट्राई करो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यार तुम लोग जो मेरे को कमेंट करते हो ना, वो बहुत बार मैंने वीडियो के अंदर बोल दिए थे, मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते बट फिर भी तुमने यार वो सारे चीज मैंने यार और एक बार बोलते हो। सो आई होप तुम पूरे वीडियो नहीं देखते हो, अगर पूरे वीडियो देखोगे सो मैं पूरे वीडियो के अंदर हर एक चीज को पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि हर एक बच्चे को हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। एंड राइट डाउन, तो यार लॉकडाउन चल रहा है तो यार कोई नहीं, हम जितना हो सके ट्राई करेंगे सिलेबस को भी कवर अप करना, एज ए मेंटरिंग भी करेंगे एंड क्लास 10 भी जितने लोग यार क्लास 10 में पढ़ रहे हो उनके लिए भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। सो कोई नहीं यार, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी 2 पेपर इन दिस सब्जेक्ट, मतलब 2 पेपर होने वाले हैं एंड ये तुम लोगों के सब्जेक्ट से यार न्यूली इंप्लीमेंटेड हो रहा है। दो स्टूडेंट्स दोज विल गोइंग टू गिव यू आईएससी 2022, ठीक है, फॉर देम, मतलब 22 के लिए जो लोग यार इस साल देने वाले हैं बोर्ड्स, फॉर देम 100 मार्क्स का पेपर आएगा। बट जो लोग यार 2022 के बैच है, मतलब जो लोग अभी राइट नाउ क्लास 11 में पढ़ोगे आफ्टर योर आईसीएससी एंड आईएससी, मतलब सॉरी आफ्टर योर आईसीएससी, तुम लोगों के लिए यार ये पेपर लागू है या फिर ये पैटर्न लागू है, ठीक है। सो तुम लोगों के लिए 3 घंटे के अंदर 80 मार्क्स का यार पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके बाद 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर क्या क्या आएगा, तो मैंने काउंसिल के टीचर के साथ बात नहीं किया है, बट मैंने क्या बात करना पड़ेगा कि यार जो मैथमेटिक्स का फैकल्टी थे मेरे स्कूल के अंदर, ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर इन आईएससी, तो मैं उसको पूछूंगा कि सर क्या क्या आएगा। तो मैं पूछने से पहले अगर हो सके एक लाइव इंटरव्यू वीडियो भी कर देंगे,
आकाश टॉक्स के अंदर या फिर इस चैनल के अंदर, ठीक है, जिधर तुम लोग। एंड द मेन थिंग इज दैट यार पेपर वन के अंदर यार 80 मार्क्स जो है ना वो मेरे टाइम में 100 मार्क्स का था, ठीक है, मतलब सिर्फ मेरे टाइम में ही नहीं, जो बच्चा 2021 में एग्जाम देगा उसके लिए भी यार 100 मार्क्स का है। बट तुम लोग फर्स्ट बैच हो आईएससी 2022 who will be going to give this paper in 80 marks, 80 marks ka paper mein tum exam dene jao, theek hai. So hum paper tum pehle thoda paper pattern dekh lete hai and uske baad hum discuss karenge kya kya chapters hai and uske andar kitna intended marks hai. So try karo video ko ant tak dekhna yaar, main bar bar request karta hu video ko ant tak dekhoge to jitna bhi doubts vagera hai sab clear ho jayega, theek hai. So first hum baat kare paper 1 ke andar. So paper 1 के अंदर is consist of 80 marks and the syllabus is divided into 3 section, ठीक है यार, इस book के अंदर 3 section है, ये तो यार part 2 का है, ठीक है, अगर तुम अगर ML अग्रवाल ले रहे हो, so इसके अंदर यार मतलब second volume है, so total 3 section होते हैं, एक है यार section A, एक है यार section B and एक है यार section C. The main thing is that ये तीनों section बनाने के यार एक ही है कि इस syllabus के ऊपर commerce के बच्चे भी exam देगा, इस syllabus के ऊपर arts के बच्चे भी exam देगा, इस syllabus के ऊपर science के बच्चे भी exam देगा. And the foremost important thing कि यार जो जितने भी यार साइंस के बच्चे एफोर्ड दे में एक अच्छा हेल्प है बोल सकते हो कि अगर तुम चाहो तो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कर सकते हो, ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू. बट जो यार कॉमर्स के बच्चे होंगे उसके लिए यार उनको यार सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो ही हैव टू डू सेक्शन सी, मतलब सेक्शन बी कर सकता है बट सेक्शन बी के अंदर यार वेक्टर्स वगैरह बहुत डिफरेंट चीज हम लोग के साइंस के अंदर रहता है वो उनको खुद से अलग से पढ़ना पड़ेगा. बट कोई नहीं यार, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. सो इस बुक के अंदर आई होप सब लोग देख पा रहे हो, इस बुक के अंदर सेक्शन ए का कंटिन्यूअस है, सेक्शन बी है एंड सेक्शन सी है एंड इसका भी एक पार्ट है, पार्ट वन है, वॉल्यूम वन के अंदर सेक्शन ए है. सो सेक्शन ए इज बेसिकली कंपल्सरी पोर्शन जो मेरे टाइम में यार 80 मार्क्स का यार क्वेश्चन पूछा जाता था इन योर सेक्शन ए. बट तुम लोगों के टाइम में जितना भी यार बैच दोस हु आर राइट नाउ कमिंग फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 7 फॉर यू, तुम लोगों के लिए यार सेक्शन ए के अंदर 65 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. इज इट करेक्ट, मतलब इज इट क्लियर ना. एंड सेकंड थिंग इज दैट यार कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन तुमको यार करना पड़ेगा इन योर सेक्शन ए. इंटरनल चॉइस विल बी प्रोवाइडेड इन टू क्वेश्चन एंड टू इन टू मार्क्स, मतलब दो मार्क्स के अंदर दो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा एंड टू क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड टू क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स के अंदर इंटरनल चॉइस रहेगा, मतलब दो मार्क्स के अंदर दो इंटरनल चॉइस, दो इसके बाद 4 मार्क्स के अंदर दो इंटरनल चॉइस एंड 6 मार्क्स के अंदर दो क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस तुमको पूछा जाएगा इन योर सेक्शन ए. तो सेक्शन इज द काइंड ऑफ कंपल्सरी फॉर ऑल, चाहे तुम कॉमर्स से हो, चाहे तुम आर्ट से हो मतलब ह्यूमैनिटीज, या फिर तुम साइंस से हो, तुमको सेक्शन ए तो करना पड़ेगा ही. इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट नाउ वी आर कमिंग टू द नंबर, मतलब कितना मार्क्स का है. एंड अगर तुम चाहो तुम सेक्शन बी कर सकते हो, सेक्शन सी कर सकते हो. सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स, मेरे टाइम में सेक्शन बी 20 मार्क्स का था एंड तुम लोगों के टाइम में ये घट गया है 15 मार्क्स का हो गया है. अगर इसी जगह में तुम अगर सीबीएसई का कंपेयर करोगे, मतलब जितने लोग सीबीएसई के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, फॉर देम तुम लोगों के लिए 100 मार्क्स का ही पेपर होने वाले है, ठीक है, मतलब कुछ घटेगा नहीं. बट आईएससी के अंदर प्रोजेक्ट घुस रहा है तो प्रोजेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, मेरे को पता नहीं, अगर जितना जल्दी मेरे को पता चल जाएगा मैं बोल दूंगा, ठीक है. सो राइट नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन ए. सेक्शन ए के अंदर द मेन थिंग इज दैट सेक्शन ए के अंदर यू हैव 65 मार्क्स. इसके अंदर सेट्स एंड फंक्शंस, सेट्स एंड फंक्शन विल बी कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का क्वेश्चन उनको पूछा जाएगा इन योर सेक्शन, मतलब इन योर सेट्स एंड फंक्शंस. देन यू हैव एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. देन यू हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर यार 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. देन यू हैव कैलकुलस, कैलकुलस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज कैलकुलस तुम लोग के 12th में जाके भयंकर इंपॉर्टेंट होने वाले है यार, ठीक है, समझ पा रहे हो चीजें यार, वेरी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस. डिफरेंशियल मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. सो देन वी आर कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो ये तो भैया हो गया सेक्शन ए 65, मतलब 65 मार्क्स का क्वेश्चन उनको पूछा जाएगा इन योर सेक्शन ए. तो भैया हमको कौन सा सेक्शन करना है? देखो यार अगर तुम मेरा मानो तो यार मेरा ज्यादा नंबर आता था सेक्शन सी से एंड बहुत सारे एडुकेटर्स तुमको यार रेकमेंड करेगा, दोज हु हैव अ गुड नॉलेज इन दिस दे विल गोइंग टू रेकमेंड कि तुम सेक्शन सी करो. इसका रीजन एक ही है यार, सेक्शन सी अगर तुम उतना अच्छा मैथमेटिक्स के अंदर नहीं हो तो सेक्शन सी एक अच्छा तरीका है जिसके अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे या फिर स्कोर कर सकोगे, ठीक है. सो राइट नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन बी. सेक्शन बी के अंदर कॉनिक सेक्शन है एंड देन यू हैव योर सेक्शन मतलब 7 इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा.
and mathematical reasoning 3 marks का question आएगा, it is consist of 15 marks in section B. सेक्शन सी के अंदर या सेम तरीके से स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा, जिसके अंदर या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. कोरिलेशन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स एंड इंडेक्स नंबर एंड मूविंग एवरेज इज कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स. सो कुल मिला के यार 80 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है. सो अभी तुम लोग मेरे को पूछ सकते कि भैया कौन सी चैप्टर से हम स्टार्ट करें. देखो यार, चैप्टर से बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि जैसे सम एंड ऑल, बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे भैया हम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए क्लास 11 का मैथमेटिक्स, हमको तो पता नहीं कि यार कब एग्जाम होगा, बोर्ड्स होगा कि नहीं होगा, क्लास 10 का एग्जाम हम ऑलरेडी यार तैयार कर लिए, हम ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए. बहुत बढ़िया काम किया अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो. यार कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे भैया हम सेट से स्टार्ट किए, तो यार सेट से स्टार्ट करना चाहिए. मैं तुमको इधर ये रिकमेंड करूंगा, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो सेट से कर सकते हो कोई बात नहीं, बट आई विल रदर रिकमेंड ट्रिगोनोमेट्री से करो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक बड़ा चैप्टर है, ज्यादातर स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री से ही मतलब सिलेबस स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है. सो ट्राई करो ट्रिगोनोमेट्री से करना. एंड मैं अगर तुम लोग चाहते हो, अगर तुम सब लोग चाहते हो, तब मैं ट्राई कर सकता हूँ ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर देना, ठीक है, इस चैनल के अंदर ही. बट तुम सारे लोग अगर चाहते हो तो, एंड अगर ज्यादा लोग ये वीडियो को शेयर करते हैं अमंग विथ योर फ्रेंड्स, अमंग विथ योर क्लासमेट्स, अमंग विथ योर बैचमेट्स, दोज हु आर ऑप्टेटिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11, अगर ज्यादा लोग चाहते हैं हम ट्राई करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्री ऑप्टेट कर मतलब स्टार्ट कर देना, ठीक है. सो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मेनली स्टार्ट करने का एक दो रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइड योर ट्रिगोनोमेट्री, मतलब बहुत सारे फॉर्मूला तुमको अभी रिमेंबर करना है, लाइक योर टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है. देन यू हैव योर कॉस ए, मतलब कॉस ए प्लस बी, मतलब सब कुछ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी साइन, मतलब बहुत सारे फॉर्मूला तुमको रिमेंबर करना है. सो आई वुड रदर रिकमेंड ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है. राइट नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर कैसे, मतलब भैया एलजेब्रा से अगर स्टार्ट करेंगे तो कौन सी, अगर मैं तुम एलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हो ऑन दैट टाइम आई विल रिकमेंड कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में भी आएगा, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जो तुम क्लास 10 के अंदर करके आए थे, माइनस बी मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, दैट इज राइट, यहाँ आई एम राइट, या दैट्स इट. सो ये सारे चीज थे, तो इसके अंदर तुमको करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स रूट्स वगैरह एंड ऑल, एंड देन इनइक्वालिटी का भी सम्स है, एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन. तुम लोग यार ऑलरेडी क्लास 10 के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके आए थे, बट मेरे टाइम में यार मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 में जाके सीखा था, ठीक है. तुम लोग एडवांस हो, क्योंकि यार आईसीएससी ने यार इंट्रोड्यूस किया कर दिया था तुम लोग के टाइम में, बट हम लोग के मतलब मेरे टाइम में ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. सो दैट यू कैन से दिस अ काइंड ऑफ, ठीक है, कोई नहीं यार, चलो चलता है, ठीक है. परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोग जानते हो, बाइनोमियल के जो सम्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी भी है बाइनोमियल. एंड देन सीरीज एंड सीक्वेंस, सीरीज एंड सीक्वेंस भी यार एपीजीपी है, इसके अंदर एपीजीपी भी तुम यार करके आए थे. सो या यू नो दैट थिंग, ठीक है. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, व्हाट इज एपी, व्हाट इज जीपी, एंड देन अच्छा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये तुम लोग ने यार एपीजीपी किए थे, ठीक है. सो मैं गलती से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल दिया, बट तुम लोग यार पता है व्हाट डू यू मीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हम बोल देंगे अगर तुम लोग चाहते हो हम बोल देंगे, ठीक है. सो देन यू हैव योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर स्लोप्स, ग्रेडियंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर पैरेललिज्म, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वल लाइंस, स्लोप्स, इंटरसेप्ट, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म, जनरल इक्वेशंस इन लाइन, ये सारे चीज है, ठीक है. एंड इसके बाद हम आ रहे हैं सर्कल्स के अंदर, सर्कल्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर्कल्स के अंदर बहुत सारी चीज तुमको करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, जनरल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये सारी चीजों को करना पड़ेगा. बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम्स है जो यार सम जेई के मतलब मेंस के एग्जाम के लिए भी आएगा, प्लस बोर्ड्स में पूछा तो जाएगा ही. राइट नाउ वी आर कमिंग टू द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट यू कॉल कैलकुलस. कैलकुलस के अंदर फर्स्ट चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. लिमिट्स को कौन कौन लिमिट्स का सम किए हैं मेरे को बोलना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, हम जाके चेक करेंगे, ठीक है. लिमिट्स का सम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस, एंड तुमको यार मीन एंड ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन फॉर डेरिवेशन, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, ये तुमको करना पड़ेगा. एंड कैलकुलस मेन थिंग जो तुमको जानना पड़ेगा क्लास 11 के अंदर, दैट इज व्हाट यू कॉल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हो सके देखो यार इस चैनल के अंदर हम एक कंसेप्ट देंगे, जिस कंसेप्ट के बदौलत तुम सारे लोग एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है. एक चीज यार तुम लोग मेरे को बोलो, अगर एक बिल्डिंग का जो यार मतलब जो नीच से आता है, ठीक है, अगर उसका जो ग्राउंड लेवल, अगर ग्राउंड लेवल स्ट्रांग नहीं होगा, अगर उसका बेस, अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तब कैसे एक बिल्डिंग का ऊपर तुम मजबूत कर सकते हो, वो तो गिर जाएगा. दैट इज लाइक योर कैलकुलस,
दैट इज लाइक योर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के तुमको गर्लफ्रेंड की तरह समझना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि सब लोग टाइम देते हैं मैथमेटिक्स को, मतलब क्या, जैसे कि सब लोग अपने गर्लफ्रेंड को टाइम देते हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड को टाइम देते हैं, वैसे भी तुमको मैथमेटिक्स को भी टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू मेक इट अप इन दिस मैथमेटिक्स, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव योर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर भी यार सम्स थोड़ा हार्ड है, क्लास 10 लेवल से तुम भी यार बड़े हो गए हो, ठीक है? सो बहुत कुछ है. सो दिस आर देयर इन योर सेक्शन ए. सेक्शन ए के अंदर 65 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर ये सारी चीज तुमको पूछा जाएगा, ठीक है? राइट नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन बी. कॉनिक सेक्शन है यार. देखो सच बोलते यार, मैं खुद यार स्वयं सेक्शन बी नहीं किए थे, मैंने सेक्शन सी किए थे, बट फिर भी मैंने यार बोल दे रहा हूँ. कॉनिक सेक्शन है. देन यू हैव योर इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारे चैप्टर्स है. एंड राइट नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, विच इज अ वेरी इजी, बहुत इजी है. सेक्शन सी मीन है, क्वाड्राइल है, परसेंटाइल है, इसके बाद यार मोड ऑफ द ग्राउंड एंड अनग्रुपिंग डेटा, ये सारी चीजें है. देन करेक्शन एनालिसिस, इसके अंदर ये सारे फॉर्मूलाज को लगाते हुए तुमको ग्राफ वगैरह जो यार सम्स है वो करना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी भी है. ये वाला सम्स मैंने अभी तक याद है, आर इज इक्वल टू सिग्मा यू वी माइनस वन बाई एन सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी बाई रूट ओवर ऑफ सिग्मा यू स्क्वायर माइनस वन बाई एन, देन यार सिग्मा यू स्क्वायर एंड रूट ओवर ऑफ सिग्मा वी स्क्वायर माइनस वन बाई एन इंटू सिग्मा वी होल स्क्वायर. That's it, ठीक है यार, यही सारी चीज है. उसके बाद इंडेक्स नंबर एंड मूविंग एवरेज का भी यार सम्स है. एंड ये सारे को मिला के यार 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. एंड आई होप सब लोग 15 में 15 उठा पाओगे, ठीक है? इसके बाद तुमको पूछा जाएगा, मतलब तुमको करना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट वर्क जो कि यार इस साल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट तुमको पूछा जाएगा, जिसका कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल टू प्रोजेक्ट. दो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वन फ्रॉम सेक्शन ए एंड अदर फ्रॉम एनी सेक्शन, मतलब जो तुम सेक्शन कर रहे हो आइदर सेक्शन बी और सेक्शन सी, उसके अंदर कोई भी यार प्रोजेक्ट तुमको सबमिट करना है, जिसके अंदर ओवरऑल फॉर्मेट होगा 1 मार्क्स का. कंटेंट के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, फाइंडिंग्स के लिए 2 मार्क्स, वाइवा ऑन दैट प्रोजेक्ट के लिए 3 मार्क्स, एंड सब मिला के कुल मिला के 10 मार्क्स. 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? सो अभी हम प्रोजेक्ट लेके उतना कुछ बात नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे बाद वाले वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट लेके यार बात करेंगे. सो आई होप सबको यार क्लियर हो गया क्या करना है क्या नहीं है. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कमेंट मी बिलो. अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो तुमको कमेंट करना है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है पूरे वीडियो देखना है, उसके बाद मेरे को बोलना है हाँ भैया हमको ये लेके प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर दिस थिंग, ठीक है? अगर तुम लोग बोलोगे तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है? सो तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड टाइम, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, आई विल ट्राई टू मेक रेगुलर कंटेंट इन दिस वीडियो, ठीक है? गुड बाय, गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग, लर्न विद आकाश. थैंक यू.